हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वन रीड कर रहे थे, जिसमें हमने असमानता के अनुभव पर एक स्टोरी रीड करी थी। उसमें दो स्टोरियां बताई गई थी, जिसमें से हमने पहली स्टोरी तो पढ़ ली थी। आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम उसी पर आधारित दूसरी स्टोरी रीड करेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ। आप रीड करिए जो पेज नंबर 219 पर है। ओके, देखिए, द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन ए ट्रू इंसिडेंट दैट ऑक्योर इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटीज एंड इट एकोमोनिजिबल सीन इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब मैं आपको दूसरी कहानी एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि उसमें क्या बताया गया है। दूसरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो भारत के बड़े शहरों में से एक में होती है और आमतौर पर देश के अधिकांश हिस्सों में देखी जाती है। ये एक कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की, जो शहर में किराए के अपार्टमेंट की तलाश में थे। चूंकि उनके पास पैसा था, इसलिए किराया देना कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने एक स्थान खोजने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए एक संपत्ति डीलर से संपर्क किया। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई अपार्टमेंट के बारे में जानता था जो किराए पर उपलब्ध थे। जैसा कि उन्होंने पहले अपार्टमेंट का दौरा किया, अंसारियों ने इसे बहुत पसंद किया और इसे लेने का फैसला किया। हालांकि जब मकान मालकिन को उनके नाम पता चले, तो उसने एक बहाना बनाया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को घर नहीं दे सकती जिसने मांस खाया हो, क्योंकि पूरी इमारत में कोई मांसाहारी नहीं था। ऐसे उसने बहाना बना दिया। फिर इसमें बताया गया है, अब नेक्स्ट स्टोरी है जो 220 पर है। देखिए, यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे पड़ोसी के घर में पकाई जा रही फिश को सूंघ सकते थे। ती बहाना दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में दोहराया गया था। अंत में प्रॉपर्टी डीलर, जो शायद अपना नाम बदलना चाहते हैं, खुद को श्री और श्रीमती के यू अंसारी कहते हैं, उन्होंने ऐसा करने के लिए सहमति व्यक्ति की और कुछ और अपार्टमेंट की तलाश करने का फैसला किया। अंत में यह अपार्टमेंट को देखने का महीना है, इससे पहले कि वे एक मकान मालकिन पा सके जो किराए पर एक जगह साबित करने के लिए तैयार हो गया। आई स्टोरी समझ में? वो ऐसे व्यक्ति को किराया नहीं दे पा रहे थे कि जिन्होंने, उन्होंने कहा जो मांसाहारी, हम उसको ऐसा अपना मकान नहीं दे सकते थे, पर पास में बनी हुई फिश को तो वो क्या कर रहे थे, अच्छे से सूंघ रहे थे। तो ये तो गलत बात हुई। ठीक है, तो ये स्टोरी इसमें बताई गई है। अब है रिकॉग्नाइजेबल डिग्निटी, इसके बारे में हम रीड करेंगे। मैनी टाइम्स द कास्ट वी आर बॉर्न इन टू द रिलीजन वी प्रैक्टिस, वी द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. In the above stories, Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of different of religion and caste. कई बार हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, जिस धर्म का हम अभ्यास करते हैं, जिस वर्ग की पृष्ठभूमि से हम आते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला, ये अक्सर वे चीज़ होती है जो निर्धारित करती है कि कुछ लोगों ने असमान व्यवहार क्यों किया। अब हमने जो कहानियाँ पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ धर्म और जाति के मतभेदों के आधार पर असमान व्यवहार किया जा रहा है। उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। जब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, तो उनकी गरिमा का उल्लंघन होता है। When person are treated unequally, the dignity is vaulted by picking on him and making him sweep the school because of his caste. Om Prakash Valmiki's school mate and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. उसे उठाकर उसे स्कूल में घुमाने के लिए उनकी जाति के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के साथियों और शिक्षकों ने उसकी गरिमा को बुरी तरह से चोट पहुंचाई और उसे ऐसा महसूस कराया कि वह स्कूल में अन्य सभी छात्रों के बराबर है, ऐसा उसे फील करवाया। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट वेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। हाउएवर, वेन द property dealer suggested that they change their name, it was their dignity of self-respect that made them refuse this suggestion. जब लोगों ने उन्हें अपने अपार्टमेंट किराए पर देने से इनकार कर दिया, तो अंसारी इसकी गरिमा को भी ठेस पहुंची। हालांकि जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलते हैं, तो ये उनकी गरिमा या आत्मसम्मान था जिससे उन्हें सुझाव को इनकार कर दिया।
We all realize that Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this, and they are deserve the same respect and dignity as anyone else. हम सभी को पता है कि ओम प्रकाश और अंसारी इस तरह का व्यवहार करने के लायक नहीं है और वह किसी और के समान सम्मान और सम्मान के पात्र है। अब है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड एवरी पर्सन एज इक्वल, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल। Even after this inequality does not creates to exit. भारतीय संविधान हर व्यक्ति को समान मानता है, यानी देश के हर व्यक्ति को जिससे सभी जातियों धर्मों जनजातियों शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के पुरुषों और महिलाओं का समान माना जाता है। इसके बाद भी असमानता मौजूद नहीं है, इसमें असमानता मौजूद नहीं है। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज देयर। लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत है। वाइल अर्लियर टू नो लॉ एक्साइटेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर मैनी लॉज दैट वर्क टू सी द पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी। इसमें बताया गया है, जबकि पहले कोई कानून लोगों को भेदभाव और गैर उपचार से बचाने के लिए मौजूद नहीं था, अब ऐसे कई कानून हैं जो ये देखते हैं कि लोगों के साथ सम्मान और समानता के साथ व्यवहार किया जाता है। द पार्लियामेंट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड वी ऑल रिप्रेजेंट इन इट थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। संसद हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है और हम इसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से या चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। यहाँ तक आपको रीड करना है। थैंक्स।